आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते खबरों की ओर। देश में कोरोना का कहर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जो डराने वाले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 1,38,331 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं और 314 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 15,50,377 हो गई है। तो वहीं यूपी में कोरोना के 15,795 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो ये आंकड़ा 3,50,85,721 पहुंच गया है। देश भर में कुल मौतें अब तक 4,86,066 हो गई हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बीते 24 घंटे में इसके कुल 7,743 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के आज तक 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक 156.75 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है, यानी प्रतिदिन औसतन 42.95 लाख डोज लगाई गई है। इस मैराथन अभियान का पहला चरण स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण से शुरू हुआ था और आज इसके दायरे में 15 से 18 वर्ष के किशोर भी जुड़ गए हैं। देश में कोरोना के मामले तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक राहत भरी खबर यह भी है कि देश में लगातार जो एक्टिव केसेस थे वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। और इस बार जो कोरोना का रूप है वो कमजोर नजर आ रहा है और इसके पीछे की वजह है कि कोरोना का टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो गया है। लोग कोरोना वैक्सीनेट हो गए हैं और तो इस वैक्सीनेशन की वजह से ही लोग अब जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं और अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट हो गए। 1 साल पूरा हो गया है आज कोरोना टीकाकरण का। तो कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक 156.75 करोड़ से अधिक डोज लगाई गई है वैक्सीन की, यानी प्रतिदिन औसतन 42.95 लाख डोज लगाई गई है। और इस मैराथन अभियान का पहला चरण स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण से शुरू हुआ था, जो कि आज 15 से 18 वर्ष के किशोर भी इसमें जुड़ गए। तो एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। हालांकि एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज 1 साल पूरे हो गए हैं वैक्सीनेशन को लेके। 1 साल का जो ये सफर रहा है इसमें हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कई बड़े मामले मतलब कि सामने आए। कोरोना की पहली लहर देखने को मिली, दूसरी लहर देखने को मिली, इससे हमने काफी कुछ सीखा और एक बड़े वैक्सीनेशन के टारगेट को छुआ है। क्या कहेंगे इस पर? जी शिखा, हम आपको बता दें कि ये आज 16 जनवरी जो है वो वैक्सीनेशन का 1 साल को पूरा हो चुका है। हमारे देश में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इस वैक्सीनेशन कैंपेन ने कई उतार चढ़ाव देखे, जहां हम शुरुआती दिनों में ये देख पा रहे थे कि लोगों के मन में कई भ्रांतियां थीं इस वैक्सीनेशन कैंपेन को लेके। वहीं लोग हिचकिचा रहे थे। साथ ही साथ कई लोगों ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे अफवाह फैलाईं कि वैक्सीन से कई अनेक बीमारियां हो रही हैं, लोगों में इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ रहा है। तो इसको लेके फिर सरकार की तरफ से कई अभियान चलाए गए जिससे लोगों के बीच में जागरूकता आए। जी, और अब तक 156.75 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है अभिषेक। और अभी तक अगर बात करें प्रतिदिन 42.95 लाख डोज लगाई गई है। तो क्या कहेंगे, बड़ा आंकड़ा है जो कि देश ने छुआ है। कितनी बड़ी उपलब्धि है? जी शिखा, देखिए देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए इस आंकड़े तक पहुंचने में देश को तकरीबन 1 साल का समय लग गया जी। पर इसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये जो तीसरी ओमिक्रॉन की वेव है, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि वैक्सीनेशन के ये जो आंकड़े हमारे देश ने छू लिए हैं, इसको देखते हुए कि मृत्यु दर जो है वो इस तीसरे वेव में जो डेल्टा की वेव थी, जो दूसरी वेव थी, उसके मुकाबले काफ़ी कम हुई है मृत्यु दर। और हॉस्पिटलाइजेशन भी जो लोग पिछले वेव में जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे वो भी इस वेव में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। जी, तो पहले ये टीकाकरण स्वास्थ्य कर्मियों से शुरू हुआ था, जो कोरोना वॉरियर्स थे उनसे शुरू हुआ था। अब इसमें 15 से 18 साल के किशोर भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ एक साल में हमने ये अंतर भी देखा कि दोनों डोज से वैक्सीनेट हो चुके लोग जिनको 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया है उनको बूस्टर डोज भी लग रही है। क्या कहेंगे इस पे? जी शिखा, देखिए बूस्टर डोज की बात की जाए तो तकरीबन 42,000 लोगों को पहले दिन ही डोज लगाई गई और अभी तक का ये आंकड़ा है कि तकरीबन 42 लाख लोगों को ये डोज लगाई जा चुकी है। जबकि अगर हम किशोरों की बात करें जो 15 से 17 साल की उम्र के बीच में है तो तकरीबन 3.5 करोड़ किशोरों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जी, अगर बात करें कोरोना के मामलों की तो तीसरी लहर बताई जा रही है कि वो देश में आ चुकी है। लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आज देश में कितने मामले सामने आए हैं? जी शिखा, आज देश में तकरीबन 2,69,000 मामले सामने आए हैं और ये अगर हम बात करें 1 जनवरी के मुकाबले तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 1 लाख कुछ मामले आए थे, जो पहला दिन था इस नए साल का। उसके मुकाबले अगर हम आज देखें तो तकरीबन 12.5% ये मामले बढ़ चुके हैं। जी, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कितनी तेजी से कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं? शिखा, यूपी में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये एक गंभीर विषय है प्रशासन के लिए भी, क्योंकि कई सारी पार्टियां हैं वो रैलियों पे अभी भी ध्यान दे रही हैं। साथ ही साथ कई सारे आयोजन हो रहे हैं जैसे माघ मेला और बट इसके साथ अगर हम देखें तो यूपी में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यूपी में आज तकरीबन 15,700 मामले आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मामले कल अगर हमें पता चला वो लखीमपुर के थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े थे। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तीसरी वेव बताई जा रही है, लेकिन कोरोना के तीसरी लहर के मामले तो सामने आ रहे हैं, तेजी से बढ़ते हुए भी जा रहे हैं। लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि देश ने एक बड़ा आंकड़ा छुआ है वैक्सीनेशन का। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में वैक्सीनेट हो गए हैं। आज वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल यानी कि 1 साल का समय सीमा पूरी हो गई है। पिछले साल 16 जनवरी के दिन ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में काफी अफवाहें देखने को मिली, लोगों में डर देखने को मिला, लेकिन सरकार द्वारा जागरूक किया गया, कई कैंपेन चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया, जिसके बाद परिणाम यह सामने आया कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हुए और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। कोरोना के मामले तेजी से सामने तो आ रहे हैं, लोग कोरोना संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन की प्रक्रिया थी, लोग पहले बीमार होते थे, गंभीर हालत में हॉस्पिटल जाते थे, मृत्यु दर बढ़ती थी। तो जो हमने डेल्टा की दूसरी लहर में देखा है, कोरोना की दूसरी लहर में जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो उससे और अब में बहुत बदलाव है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है वैक्सीनेशन। रुक करते अगली खबर की तरफ। बड़े नेताओं के दल बदल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरि ओम यादव के भाजपा का दामन थामने के बाद अब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपर्णा लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हो सकती है। इसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर खूब संदेश वायरल हो रहे हैं। अपर्णा मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई विधायक नेता बीजेपी का दामन छोड़ के सपा में शामिल हुए, तो वहीं अब ये बड़ा झटका साबित हो सकता है सपा के लिए, क्योंकि सपा जो कि मुलायम सिंह की पार्टी है, अखिलेश यादव की भाभी, अब बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो तेज होती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे संदेश, कई ऐसे पोस्टर, कई ऐसे मैसेज हैं जो अब वायरल हो रहे हैं। ये अटकलें लगाई जा रही है, खबरें तेज हैं और ये खबर सामने आ रही है कि मुलायम के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है, वो भी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी से टिकट मिल सकता है, बीजेपी का दामन थाम सकती है। तो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से बड़े नेताओं के दल बदल के लेकर जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म नजर आ रहा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव के भाजपा का दामन थामने के बाद अब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेज है। यानी अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि विधायकों के नेताओं के दल बदलने का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। नामांकन का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी दल बदलने का दौर चल रहा है। तो सपा के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि कोई नेता नहीं सपा का, बल्कि उनका परिवार के कुछ सदस्य ही भाजपा का दामन थामते नजर आ रहे हैं। तो ये जो चुनाव है काफी इंटरेस्टिंग होता नजर आ रहा है, हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, दल बदलने का दौर देखने को मिल रहा है। और इस खबर पे हमारे सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरह की बाजार गर्म है अटकलों के, और जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से समधी हरिओम यादव के भाजपा में दामन थामने के बाद उनकी बाहू भी, यानी लालू की बाहू भी जिस तरह से दामन थाम सकती है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह से अपर्णा यादव पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करती नजर आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती नजर आई है, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें पहले से ही लगाए जा रहे थे। और बीते दिनों से ये बात सामने आती जा रही थी कि हो सकता है अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकें। और वही कहीं ना कहीं अगर बात करें साल 2017 की, तो 2017 में अपर्णा यादव ने लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, और बल्कि वो वहां पर दूसरे पायदान पे भी सामने आई। और जो बीजेपी प्रत्याशी रही हैं रीता बहुगुणा जोशी, वो पहले पायदान पे आए थे। लगभग 65,000 जो वोट थे वो अपर्णा यादव को मिले थे। और उसके बाद से ही ये काफी समय से ऐसा होता चला आ रहा है कि जो नाराजगी है यादव परिवार के अंदर वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अपर्णा यादव लगातार काफी लंबे समय से जो है वो नाराज हैं। हो सकता है सीट को लेकर, कैंट सीट को लेकर नाराजगी थी अपर्णा यादव के अंदर। लेकिन बात करें अगर अपर्णा यादव की, तो एक ये खास वजह ये बताई जा रही है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों को लेकर और उनकी विचारधारा को लेकर, जिस तरह से वो कितने धार्मिक है और किस तरह से वो गोरखनाथ बाबा के भक्त हैं, उन तमाम चीजों को लेकर अपर्णा यादव काफी खुश थी और भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है आज दामन थाम। जी, तो अजहर, जिस तरह से अब मुलायम की बहू और पहले समधी दोनों ही भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इनके परिवार में कोई अंतर्कलह है या विवाद चल रहा है जो उसका असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल साफ तौर से अगर उनके समधी की बात करें तो वो पहले से ही पार्टी से काफी समय से निष्कासित थे, और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और बात करें अपर्णा यादव की, तो ये काफी समय से इनके अंदर जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही थी। और जब राम मंदिर को लेकर इन्होंने काफी ज्यादा 11 लाख रुपए का चंदा भी इन्होंने दिया, तो कहीं ना कहीं ये तारीफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही नजर आती रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात पहले से ही सामने आती रही है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों को लेकर हमेशा से वो संतुष्ट रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपसी कलह है, जो परिवार में विवाद है, उसको लेकर अपर्णा यादव हो सकता है आज, जैसा कि आज बताया जा रहा है कि आज कई बड़े ऐसे प्रमुख नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में। और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आज मौजूद रहेंगे। और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिनमें अपर्णा यादव भी हो सकती है। अजहर, क्या यही वजह थी जो बीजेपी शांत थी? क्योंकि कई बीजेपी के नेता सपा के खेमे में जा रहे थे, लेकिन बीजेपी शांत थी, क्योंकि सपा से एक बड़ा चेहरा बीजेपी में आने को तैयार है। जी बिल्कुल साफ तौर से कहीं ना कहीं सपा को इससे नुकसान जरूर पहुंचेगा, लेकिन उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े मंत्री समाजवादी पार्टी के खेमे में पहुंच गए हैं। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अपर्णा यादव की एक बड़ी बात है कि जो उनकी बहू है, जो पारिवारिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी में पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट जरूर हो सकता है, लेकिन फिलहाल इतना ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर खान जुड़े थे। तो सपा में कई ऐसे नेता शामिल हुए हैं, बीजेपी के बागी नेता, जिससे कहा जा रहा था कि बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अब सपा को बड़ा झटका लग सकता है। मुलायम के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा बीजेपी का दामन थाम सकती हैं और कैंट से उम्मीदवारी कर सकती हैं, ऐसी खबर अब सामने आ रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।